बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब गाइस। आप देख रहे हैं इस वक्त ज़की ग्राफी। तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। तो आप सभी जैसे कि जानते हैं कि आप भी इलस्ट्रेटर जो है वो ज़रूर यूज़ करते होंगे, बट यहाँ पे एक्यूरेट स्नैपिंग प्रॉब्लम इन इलस्ट्रेटर क्विक सोल्यूशन, आज इसका मैं सोल्यूशन बताऊँगा। मैंने इलस्ट्रेटर 2021 भी यूज़ किया, सॉरी ओपन किया हुआ, 2023 भी मैंने जो है ओपन किया हुआ। अब आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि क्या आप जब वर्क करते हैं, ठीक है गाइस, एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ कि भाई यहाँ पे वर्क करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या कि बाज़ दफ़ा आप लोगों से जो है वो हाइड भी हो जाता है, बट आप लोगों को पता नहीं चलता। अब मैं जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका जो ये कर्सल है, मैं इसको जो जैसे ही मैं डुप्लीकेट करूँ तो आपको यहाँ पर एक लाइन बिल्कुल जो एक्यूरेट जो है वो शो हो रही है। तो हमें जो है वो ईजी पता चल जाता है कि यार बिल्कुल हमारा जो हमने डुप्लीकेट किया वो उसके बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो इसकी जो स्पेस है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अगर ये हाइड हो जाए तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब मैं लेके चलता हूँ दूसरे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 2023 में आ गया हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको यार क्रिएट करता हूँ तो इसमें मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने यार ध्यान से ये चीज़ समझ लेनी है जब आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो बट यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, ठीक है। एक्यूरेट मेरा यहाँ पे गाइडनेस जो स्मार्ट गाइडनेस है वो हमें शो नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं करता हूँ डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट करता हूँ तो यार ये मुझे नहीं यहाँ पे लाइन जो है वो गाइडनेस जो है वो नहीं दे रहा, गाइडनेस नहीं कर रहा कि यार ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो इसका सोल्यूशन आज आप लोग को बताऊँगा कि इसको कैसे आप लोगों ने हल करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को मैंने यहाँ पर तो मैंने बता दिया या इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, कि कैसे करना है। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एक लाइन क्रिएट करता हूँ, ओके, तो चलें यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं और इसको कोई कलर दे देते हैं और इसको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कर लेते हैं। अब मैंने करनी है गाइस डुप्लीकेट, ठीक है। अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो ये अभी आप देख सकते हैं एक्यूरेट पॉइंट हमें जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। अगर इस साइड पे लेके आता हूँ तो ये एक्यूरेट हमें जो है वो स्टार्ट हो गया यहाँ से करें या जहाँ, लेकिन एक्यूरेट जब तक आपका शो नहीं होगा आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल जो हमने लाइन लगाई है या बॉक्स लगाया वो एक्यूरेट है या नहीं है। इसमें स्पेस में थोड़ी सी भी फ़र्क आ जाए तो यार प्रॉब्लम जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसका हल क्या है कि आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में, सॉरी यहाँ पे चलता हूँ दूसरे सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे हम लोग यार मैंने दूसरा वर्क भी कर रहा था सो इसलिए अब इसका हल यार क्या है कि अब हम चलते हैं दूसरे इस सॉफ्टवेयर में। तो मैंने जो है वो मेरा बिल्कुल ठीक है, ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे ही मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो यार ये मुझे एक्यूरेट पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा है कि यार बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल स्पेस भी एक जैसी होगी और एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में, अब इसको ठीक कैसे करना। अब आप लोगों ने जहाँ आपने अपनी जाना प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, इसको कर लेना है आप लोगों ने ओपन प्रॉपर्टीज़ को, और यहाँ पर आपको कुछ टूल्स गाइडेंस के जो है वो मिल रहे हैं। तो आपके पास कोई भी हो सकता है, ये वाले टूल जो है ये भी ओपन हो सकते हैं, आपके पास ये वाले भी ओपन हो सकते हैं, आपके पास ये वाले। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्यूरेट पॉइंट हमें शो हो, ठीक है, तो आप लोगों ने सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं एक्यूरेट पॉइंट मुझे नहीं शो हो रही, ठीक है, प्रॉब्लम है ना। तो इसको कैसे करना है, आप लोगों ने यहाँ पे इसको अनचेक कर लेना, इन दोनों को बीच वालों को अनचेक कर लेना और इन दोनों को आप लोगों ने रहने देना, ठीक है। अब एक्यूरेट को हमने कैसे करना है, इन दोनों को भी आप लोगों ने ऑन कर लेना है, अगर ज़्यादा आपने ऊपर वाले को करना है एक्यूरेट वाले को, ठीक है। तो जैसे ही अब मैं इसको जो है वो मैं इसके साथ करता हूँ तो एक्यूरेट पॉइंट हमारा इसका सोल्यूशन हमें मिल गया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे एक्यूरेट पॉइंट जो शो होना स्टार्ट हो गया है। तो यार छोटी सी वीडियो थी और कितनी कमाल की वीडियो कि अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ एक्यूरेट पॉइंट मुझे बता रहा है कि यार हमारा डिज़ाइन बिल्कुल जो है वो 100% यो यहाँ पे ठीक है। तो नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है यार गाइस, प्रॉब्लम होती है ना अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल नहीं इस तरह हो जाता है, ठीक है। बट फिर हम क्या करते हैं, इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे करना स्टार्ट हो जाते हैं। बट हमें फिर भी जो है वो नहीं समझ आती कि यार जब तक एक्यूरेट पॉइंट नहीं हमेशा होंगे तो हमारी प्रॉब्लम का हल कैसे होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, उसको आपने पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इन दोनों को चेक लगा दें इन पर और अब आप लोग देखिएगा, ओके। अब मैं यहाँ पर एक
अब देखिएगा मैं यहाँ पे जैसे ही मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो एक्यूरेट मुझे पॉइंट बता रहा है कि आपका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे ओके है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे भी करके अब आप लोगों ने इसको कर लेना है डुप्लीकेट करने के बाद। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे भी एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ यहाँ पे आपको गोल कैसे लगाने। अगर मैं एक्यूरेट पॉइंट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज कर देता हूँ और गोल कैसे लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से मैं इसको जो है वो क्रिएट करूँ तो यहाँ तक आए, ठीक है, ओके। बट अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यार वो प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा मतलब यहाँ के बाहर चला गया है। लेकिन अगर एक्यूरेट हमारा पॉइंट जो है अगर वो हमें हमने ऑन किया होगा तो एक्यूरेट हमें बता देगा कि आपका भाई ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, आपका डिज़ाइन बिल्कुल नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना, जस्ट आप लोगों ने पहले क्या करना, उसको ओपन कर लेना है यहाँ पे, इसको इस इन दोनों को आपने चेक लगा लेना। अब मैं करता हूँ इसको, ठीक है। अब भाई जैसे ही मैं लेके आऊँगा तो लेके आता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आप एक्यूरेट कर सकते हैं इस तरह। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया तो ये हर साइड से यार बिल्कुल परफेक्ट जो है वो इसको क्रिएट कर रहा है। तो गाइज आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा भी अगर यार इलस्ट्रेटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसका भी हल ज़रूर जो है बताऊँगा। तो गाइज़ अगर आपका इलस्ट्रेटर में कोई और प्रॉब्लम ही आती है तो आप उसको यार अनइंस्टॉल मत कीजिएगा, आप उसको रीसेट कीजिएगा। ऊपर आपको आई बटन नज़र आ रहा है वहाँ पे मैंने रीसेट करना भी बताया, आपका बिल्कुल सॉफ्टवेयर ऐसा हो जाएगा जैसे रीसेट करने के बाद, ऐसा बहुत इजी मेथड बताया हुआ है। अगर आप इसको रीसेट करते हैं तो बिल्कुल आपको इसी तरह न्यू मिल जाता है जिस तरह आप लोगों इसको फर्स्ट टाइम जो है वो कर रही हो आप लोगों ने इंस्टॉल किया हो। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अब आप लोगों को एक्यूरेट जो है वो क्रिएट करने में मतलब यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम जो है इसको हल करने में कोई इसका जो सलूशन मैंने आप लोगों को बता दिया इस प्रॉब्लम का, अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब यार जाके फटाफट पहले सबसे पहले अपना एक्यूरेट जो है स्नैपिंग प्रॉब्लम वाली जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन पहले ऑन कर लो जाके, ठीक है। तो फिर बेफिक्र होकर आप लोग वर्क करो, कोई टेंशन नहीं होगी। तो गाइस खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है तो यार फटाफट उसको सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।